नमस्कार, मैं शरद जन संदेश टाइम्स में आपका स्वागत करता हूँ। आज की उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक नया मोड़ आया है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। आइए जानते हैं इस मुलाकात के पीछे क्या वजह थी। शरद जी नमस्कार। आज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, वो एक नॉर्मल जैसी मुलाकात होती है। बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उसी उसमें पहले भी मिले हैं हम कई बार। आज उसी तरह हम लोग मिलने गए, और जब मिलने जाते हैं तो राजनीतिक आदमी हैं, वो एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम भी एक पार्टी चला रहे हैं, तो ज़रूर कुछ राजनीतिक चर्चाएँ हो जाती हैं। लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं थी कि अभी हम कोई साथ में गठबंधन बना रहे हैं या और कोई बात हो। वह औपचारिक मुलाकात थी और कुछ। तो जैसा कि आपने सुना कि ये एक औपचारिक मुलाकात थी, आइए जानते हैं कि 2022 के इलेक्शन के लिए जन अधिकार पार्टी किस तरह से अपनी रणनीतियां बना रही है और किस तरह से आगे वो काम कर रही है क्षेत्र में। देखिए, हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा में अभी तक 10 पार्टियां हैं, और भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की सभी सीटों में तैयारी कर रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उन पार्टियों में जो साथी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कमेरावादी श्रीमती कृष्णा पटेल जी, वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मानव समाज पार्टी केवट रामधनी बिन जी, आदरणीय बाबूराम पाल जी राष्ट्रोदय पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, और अनिल चौहान जी और ओम प्रकाश राज जी, ये हम लोगों ने 9 पार्टियां ये हो गई। और पिछड़ा समाज पार्टी अभी हमारे आदरणीय शैली साहब अध्यक्ष हैं, वो भी साथ में हमारे आ गए हैं। तो 10 पार्टियों ने मिल करके हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। और आज जब हमारी अखिलेश जी से मुलाकात हुई है तो मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ उनके भी अपना दल कमेरावादी के श्री पंकज जी थे, उनके साथ में हमारी मुलाकात हुई। और मुलाकात में कोई हमारी गठबंधन की वैसी चर्चा नहीं हुई, लेकिन कुछ राजनीतिक चर्चाएं ज़रूर हुई। तो हम लोग ये निश्चय करके चल रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में हमें इस प्रदेश के वीकर सेक्शन को अगर रिलीफ दिलाना है, गरीब और कमजोर को न्याय दिलाना है, तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ से हटे, और जो संविधान की बात करे, जो कानून की बात करे, जो सबके हक अधिकार की बात करे, ऐसे पार्टी के लोगों को, ऐसे लोगों को शासन सत्ता में आना चाहिए। तो उसी के लिए हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा अपनाया है, तो उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। आगे हम लोगों ने अपने संगठन में भी कुछ तब्दीली की है। उत्तर प्रदेश को चुनाव को देखते हुए कौन से साथी हमारे उत्तर प्रदेश में लगेंगे, और कुछ जगहों में, कुछ दूसरे प्रदेशों में हमारा संगठन है, वहाँ भी हम लोगों ने प्रभारी बनाए हुए हैं। वो तो मैं आपको बता दूं, जैसे हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर से लगा हुआ है, बड़ा अच्छा स्टेट है, हम लोगों ने वहाँ काम अभी थोड़ी शुरुआत की है। तो हमारे एडवोकेट वीरेश सैनी जी हैं, हरियाणा प्रदेश का हम लोगों ने उन्हें प्रभारी बनाया है। अभी नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं टाउन एरिया को, हमारी जन अधिकार पार्टी वहाँ पूरी तैयारी से लड़ेगी एडवोकेट वीरेश सैनी जी की देख रेख में। मध्य प्रदेश में हमारे प्रभारी हैं श्री कृष्ण नारायण कुशवाहा जी, जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं हमारे एडवोकेट फिरोज शेख जी, और महाराष्ट्र के प्रभारी हैं हमारे फिरोज शेख जी और सुषमा मौर्या जी, दिल्ली के प्रभारी, दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हमारे तालिब हुसैन जी और राकेश जी, बिहार के हमारे प्रभारी भी हैं और अभी प्रदेश अध्यक्ष का काम नहीं देख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, गोवा के हमारे श्रीमती सुषमा मौर्या जी। तो अभी तक हमारे जो संगठन स्टेट लेवल पर कंप्लीट हुए हैं, कहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उत्तर प्रदेश को लेकर के 6 प्रदेशों में, और अभी हमारा राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गुजरात में थोड़ा हमारे काम की शुरुआत हुई है, तो वहाँ भी बहुत जल्दी हम अपने प्रभारी घोषित करेंगे।
तो ये आज हम लोगों ने अपने संगठन में फेरबदल किया है कि जो साथी थोड़ा उत्तर प्रदेश से बाहर टाइम दे सकते हैं या दूसरे प्रदेश के हैं जिनका उत्तर प्रदेश में कम समय देना होता है, तो हम उन लोगों से अपील की है कि आप लोग इन स्टेटों में संगठन को कम्प्लीट करिए ताकि आने वाले समय में वहाँ भी हम लोग अच्छी लड़ाई लड़ पाए। तो जन अधिकार पार्टी अब पूरे भारत में एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे भारत में चुनाव लड़ने की तैयारी करें। हाँ, जन अधिकार पार्टी हम लोगों ने लगभग 5 साल पहले बनाया और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने शुरुआत करके आज हम लोग देश के बड़े बड़े 6-7 प्रदेशों में, अगर गुजरात को भी ले लें तो हम 7 प्रदेशों में काम कर रहे हैं और राजस्थान में भी हम अभी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, कम सीटों पर लड़े थे, झारखंड छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने शुरुआत की है। तो इस तरह से अगर हम टोटल करें तो 11 प्रदेशों में हम लोगों ने अपने संगठन की शुरुआत कर दी है, धीमा सा ही लेकिन हम लोगों ने शुरुआत की है और आने वाले समय में इस तेज़ी से लोगों का सपोर्ट और मदद हमें मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हमारा 11 प्रदेशों में संगठन बनकर तैयार होगा और हम अच्छा रिजल्ट देंगे। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि जन अधिकार पार्टी अब पूरे भारत में एक तरह से चुनाव लड़े जिसमें 11 प्रदेशों में जन अधिकार पार्टी मजबूती के साथ चुनाव के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। कैमरामैन नितिन के साथ शरद की रिपोर्ट।